सिविल लाइन स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान को खाली कराने को लेकर शुक्रवार को हुए विवाद में कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें संस्था के सदस्यों और सपा विधायक ने पुलिस पर पूंजीपतियों से मिलीभगत करके जबरन आरोप लगाते हुए विरोध किया था। इसके चलते पुलिस को अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ी थी। कानपुर शहर में सरकारी जमीन पर भूमाफिया की नजरें काफी समय से है। गांधी शांति प्रतिष्ठान की भूमि को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इससे सटी बस्ती को भूमाफिया हटाना चाहते हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान को खाली कराने का काम पुलिस बल ने शुरू किया तो सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी वहां पहुंचे। विधायक ने न्यायालय का आदेश मांगा तो अपर जिला अधिकारी द्वारा खाली कराने का आदेश दिखाया गया। विधायक के विरोध और लोगों की भीड़ के बढ़ते देखकर पुलिस ने कार्यवाही रोक दी थी। इस मामले में कोतवाली के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर सरकारी कामों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं विधायक का कहना है कि वह सरकारी जमीन को बचाने पहुंचे थे, जिस पर पुलिस वाले किसी कॉलोनाइजर को कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के गलत कार्यवाही के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की है तो पुलिस उसे दबाना चाहती है। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इस प्रकरण को लेकर तहरीर देंगे और मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।